इस वीडियो में देखिए गुजराती खांडवी बनाने का बहुत ही आसान तरीका, जो आप घर पे बना सकते हो, कोई मेहनत नहीं लगेगी और टेस्ट इसका बाजार में मिलता है वैसा ही होगा। तो इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए 6 से 7 टेबलस्पून बेसन, उतना ही हमें चाहिए दही, 2 हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट, नमक और चीनी। मिक्सर में हम सबसे पहले बेसन डालेंगे और उतना ही हमने जो दही लिया है वो डालेंगे। 2 टेबलस्पून चीनी लेनी है हमें इसमें, 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून नींबू के फूल और हरी मिर्ची और अदरक का जो पेस्ट बनाया था वो सब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये करीब 1 मिनट के लिए चलाना है हमें और उसके बाद 1 कटोरी पानी डालना है। जितना हमने दही लिया था उतना ही पानी डालना है इसमें और इसे वापस 1 से 2 मिनट के लिए हमें मिक्स करना है। ये देखिए हो चुका है, ये इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं एकदम पतली है, पानी जैसा इसे रखना है क्योंकि हम इसे स्टीम करके बनाएंगे तो जितना पतला होगा उतना अच्छा बनेगा। अब एक थाली में 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे हम और उसे अच्छे से थाली में फैला देना है ताकि चिपके ना खांडवी। एक बड़ी सी कढ़ाई लेनी है, उसमें 3 से 4 ग्लास पानी डालना है और बीच में आपको एक स्टैंड लगाना है। मैंने मटकी का स्टैंड लिया है, आप कोई और भी ले सकते हो। और गैस हमें तेज रखना है, जैसे ही पानी गर्म हो जाता है उसके बाद हमें थाली रख के और उसमें ये बैटर डालना है। अब हम इसे कवर कर देंगे दूसरी थाली से जिस पर मैंने ये कपड़ा लगाया हुआ है। कपड़ा लगाने से सही रहता है, इसकी जो भाप होगी वो खांडवी पे नहीं गिरेगी, कपड़े में एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसे 10 मिनट तक हमें रखना है अब तेज गैस पे। सो 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। सो अब इस थाली को हम बाहर निकाल लेंगे और इसे करीब 20 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। सो अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है तो अब इसमें हम कटिंग कर लेनी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें ये करना है, ये एकदम आसानी से फोल्ड हो जाता है। ये देखिए, अगर आपको थोड़ी छोटी साइज में बनानी है तो आप साइड में भी कट लगा सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरह। अब हमें इसमें तड़का लगाना है तो 1 टेबलस्पून ऑयल लेके उसमें थोड़ा सा राई और तिल डालेंगे, 2 कटी हुई हरी मिर्च और इसको थोड़े से तेज आंच पे तड़का लगाएंगे। अब हम ये देखिए हो चुका है, तो इसे अच्छे से अब लगा देना है खांडवी पे। तो ये देखिए हमारी खांडवी रेडी हो चुकी है, एकदम ही आसानी से बन गई है, कोई मेहनत नहीं लगी। और लॉकडाउन में ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं लेटेस्ट दूसरे वीडियो डालूँ तो उसके आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक करके व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।